मधुबनी जिला में लगातार घट रही घटनाओं के ऊपर मेरा एक कार्य स्थगन है। विगत कुछ दिनों से मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों में घट रही घटनाओं ने कानून व्यवस्था तथा पुलिस बल के व्यवहार तथा उसके निष्क्रिय रूप को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। हाल ही में जिस तरह से झंझारपुर में एक न्यायिक पदाधिकारी के कक्ष में घुसकर पुलिस के दो अधिकारियों ने उनके ऊपर हमला किया तथा उनके साथ मारपीट की, वो अपने आप में न सिर्फ अराजक तथा आपराधिक व्यवहार है बल्कि एक प्रकार से न्यायपालिका पर हमला करने के समान है। वहीं बेनीपट्टी में एक युवा पत्रकार अविनाश, जो सूचना के अधिकार के तहत भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर निजी क्लिनिकों में व्याप्त स्वास्थ्य से जुड़ी कई भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अब तक कई कारणों का उल्लेख कर खुद के कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा किया है। हाल ही में मधुबनी में ऑफिसर कॉलोनी, जो मुख्य सड़क पर अवस्थित है, जहां बगल में डीएमआरएसपी का आवास है, एक युवती गुलशन 4 दिन तक गायब रही, फिर उसकी लाश मिली। आदि घटनाओं ने मधुबनी में बढ़ रहे अपराध तथा पुलिस के व्यवहार तथा निष्क्रियता के कारण जनजीवन को असुरक्षित कर दिया है। मधुबनी एक शांतिप्रिय इलाका रहा है, परंतु विगत कुछ दिनों से घट रही आपराधिक घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली तथा निष्क्रिय भूमिका की वजह से स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। अतः आज की कार्यसूची में शामिल विषयों को स्थगित कर मैं चाहता हूं कि सदन में इस पर चर्चा हो और बढ़ रही अपराध को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाए उसके नियंत्रण को लेकर। मधुबनी में जो स्थिति बिगड़ी है वो बहुत चिंताजनक है। न्यायपालिका के अंदर एक बड़ा अटैक हुआ है, चेंबर में घुसकर पुलिस के अधिकारियों ने पिस्तौल ताना है, एक न्यायिक दंडाधिकारी को पिस्तौल ताना है उसके चेंबर में, मारपीट की है। इससे बड़ी अक्षम्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। अगर पुलिस के जवान, पुलिस का अधिकारी ऐसा आचरण करेंगे, हाईकोर्ट में उचित कार्य